हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स प्रोग्राम इट। आज की इस वीडियो में हम एनीडेक्स को कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है और प्लस इसको कैसे कंप्यूटर या मोबाइल में कनेक्ट किया जाता है, आज हम इस बारे में सीखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आईटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जल्द ही प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि नए अपडेट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, बिना कुछ ज़्यादा टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। एनीडेक्स को हमें डाउनलोड करने के लिए हमें कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन करके उसमें एनीडेस्क डाउनलोड सर्च करें और सबसे पहले वाला लिंक जो कि https://anydesk.com इस वाले लिंक को ओपन करेंगे और यहाँ सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाएंगे। कोई जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो उस पर क्लिक कर लीजिए और फिर इस डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक कर लीजिए तो आपके ओएस के हिसाब से आपका एनीडेस्क डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरा विंडो है तो मैं विंडो पर क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक करूंगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर चुका है इसलिए मैं वापस से एक बार और डाउनलोड नहीं करना चाहूँगा। तो डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ ऐसा आइकन दिखेगा, उस पर डबल क्लिक कर लीजिए। ये हमारा डाउनलोड का प्रोसेस हो चुका है, अभी हम इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए सिंपली हमें डबल क्लिक करना है, जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर में रन करना पड़ता है, नेक्स्ट मारना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं, बस अपन डाउनलोड करने का और एप्लीकेशन चालू हो जाता है। आपको जो ये वाली आईडी दिख रही है, ये वाली आईडी इसमें सबसे मेन है। अगर आपको इस कंप्यूटर को किसी और को शेयर करना है, मतलब इस कंप्यूटर का स्क्रीन किसी और से शेयर करना है, तो आपको ये आईडी सामने वाले को देनी पड़ेगी, जो भी मांग रहा है कि भाई आपका स्क्रीन मुझे शेयर करो, तो उसको ये वाली आईडी देने का। तो वो वाली आईडी वो अपने कंप्यूटर में इस वाले सेक्शन में डालेगा, रिमोट डेस्क करके ये वाली आईडी डालेगा अपने कंप्यूटर में। ऐसा वो एंटर करके कनेक्ट मारेगा तो आपका स्क्रीन वहां दिखाने लगेगा, तो वो आपको आपके कंप्यूटर को फिर कंट्रोल कर सकता है। तो अभी हम सबसे पहले अपने मोबाइल को कनेक्ट करके देखेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं। एनीडेस्क को अपने मोबाइल में यूज़ करने के लिए हमें उसे इंस्टॉल करना होगा, तो एनीडेस्क प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसके लिए हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे और प्ले स्टोर ओपन करके हम उस पर एनीडेस्क को सर्च करेंगे और सबसे पहला ही ऑप्शन एनीडेस्क का आइकन दिखाएगा, हम उस पर क्लिक कर लेंगे और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेंगे। मुझे ये दो ऑप्शन दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने इसे पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है। तो इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन पे क्लिक कर लेंगे जिससे कि ऐप ओपन हो जाएगा। आपको कुछ प्लगइन का ऑप्शन दिखाएगा, हम इसे ओके मार के हटा देंगे और ये नीले कलर में कुछ ट्यूटोरियल का ऑप्शन है। आजकल हर ऐप अपने ऐप के बारे में बताते हैं कि ये ऐप ऐसा चलाया जाता है, तो इसके लिए ट्यूटोरियल होता है। और ये 5370512 ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन शेयर करने के लिए एनीडेस्क की आईडी है, जैसा कि हमारे कंप्यूटर में था, हमारे कंप्यूटर को स्क्रीन शेयर करने के लिए वो आईडी मिली थी, सेम इस मोबाइल को भी मिली है। तो इस आईडी का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर में अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आइए हम अपने कंप्यूटर में चलते हैं और देखते हैं कैसे हम अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। चलिए, हमने अपने मोबाइल में एनीडेस्क को इंस्टॉल कर लिया है।
अभी हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने कंप्यूटर से शेयर करेंगे, मतलब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने कंप्यूटर में देख सकेंगे। तो उसके लिए हम एनीडेक्स को ओपन कर लेते हैं। और जो मोबाइल की आईडी थी उस आईडी को हम यहाँ डालेंगे। तो आईडी क्या थी, आईडी थी 5370, क्या थी आईडी थी 5370519, क्या थी 5370519। ये आईडी डाल के हम इंटर कर लेंगे। तो 5370519 ये हमारे मोबाइल के एनीडेक्स की आईडी है। ये डाल के हम इस कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे जिससे कि हमारे मोबाइल में एक नोटिस आएगा। ये कुछ फायरवॉल है कंप्यूटर का, तो उस पर अलो एक्सेस मारेंगे। ये क्या रीट्राई नॉट कनेक्टेड बोल रहा है, तो आईडी देखते हैं सेम है क्या। तो आईडी थी 5370519, 5370519 आईडी तो सेम है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि दोनों नेट से कनेक्ट कर रहना चाहिए ताकि एनीडेक्स का सर्वर दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। तो दोनों में नेट इंटरनेट रहना चाहिए। तो आईडी जब सेम है तो हम अभी इस पर कनेक्ट करेंगे और हमारे मोबाइल में एक नोटिस आएगा, हमारे मोबाइल में एक नोटिस आएगा जिसे हमें एक्सेप्ट मारना पड़ेगा। ये आया नोटिस, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे अलो करके। अभी ये आप देख सकते हैं कि मैं अभी अपने मोबाइल का स्क्रीन अपने कंप्यूटर में देख सकता हूँ और इसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने कंप्यूटर से शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हम इस कनेक्शन को बंद कर रहे हैं। अभी हम इस कनेक्शन को बंद कर रहे हैं। तो इस तरह हम अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अपने कंप्यूटर को अपने मोबाइल से कैसे कनेक्ट करें। सेम प्रोसेस है, हम इस आईडी को अपने मोबाइल में डालेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपने कंप्यूटर को अपने मोबाइल में कैसे शेयर करें, यानी कि हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर की आईडी कुछ 10914707 है, तो हम इसे यहाँ इंटर करेंगे 10914707067। आईडी देख के डालिएगा, नहीं तो आपको एरर बताएगा। आईडी डालने के बाद हम ये राइट एरो पे क्लिक करेंगे जिससे कि हमारे कंप्यूटर में एक नोटिस आएगा, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कुछ यस का ऑप्शन दिखा रहा है तो मैं इस पे यस कर रहा हूँ। और अभी हमारा कंप्यूटर हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो गया है और हम अपने कंप्यूटर को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं इस वाले आइकन से। तो आप देख सकते हैं इससे लॉग आउट होएगा, इससे कुछ एक्स्ट्रा फीचर है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड माउस चलाने का है और ये कुछ सेटिंग। अब देख रहे हैं कि मैं मोबाइल से माउस को डबल क्लिक करके यहाँ से वहाँ मूव कर सकता हूँ।
सेशन क्लोज बता रहा है कुछ है हो गया है, तो हम ओके मार के हटा देते हैं इसको, फिर से एक बार कनेक्ट करते हैं। ओके, ये मेरा नेट थोड़ा बंद चालू हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप इस तरह से अपने मोबाइल को, मोबाइल से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करने की। तो नीचे एक बार जब हम कनेक्ट करते हैं तो नीचे कनेक्टेड, एक बार जब हम कनेक्ट करते हैं तो नीचे कनेक्टेड कंप्यूटर की या सामने वाली जो भी टेक्नोलॉजी है वो नीचे दिखाती है। तो हमें बार बार वो आईडी डालने की ज़रूरत नहीं रहती, हम नीचे से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये नीचे दिखा रहा है तो मैं इस विंडो पे क्लिक करूँगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्सेप्ट का ऑप्शन पूछेगा, परमिशन मांगेगा, तो मैं यहाँ से परमिशन दूंगा, बोलूँगा एक्सेप्ट, और अभी यस नो पूछ रहा है, मैं यस पे क्लिक करूँगा। और ये देखिए आप, ये मैं मोबाइल में देख सकता हूँ, मोबाइल में मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिखा रहा है और मैं ये मोबाइल से कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं मोबाइल से मिनिमाइज कर रहा हूँ, उसको भी मैंने मिनिमाइज किया और मोबाइल से मैं अभी ये क्या करूँगा, मैं मोबाइल से वर्ड खोल के कुछ आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी मैं यहाँ कर रहा हूँ मोबाइल से वो लाइव हो रहा है कंप्यूटर। अब मुझे कीबोर्ड लाना है तो ये एरो दिख रहा है आपको, इस पे दबा के रखने का और कीबोर्ड पे ड्रैग कर देना, कीबोर्ड पे क्लिक करके छोड़ के कीबोर्ड आ गया। अभी आप लिख सकते हैं, जो भी आप लिखोगे वहाँ लाइव दिखाएगा। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। तभी मैं इसे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, और इस तरह से हम अब एनी डेस्क का यूज कर सकते हैं। अगर कोई कोई पर्सन कहीं और है, आप कहीं और हो और वो बोलता है कि आप अपने एनी डेस्क की आईडी दो जिससे कि मैं अब का कंप्यूटर कंट्रोल कर सकूं, कुछ काम है उसमें अपना काम कर सकूं, तो इस तरह से आप सामने वालों को ये आईडी बताने का जिससे कि वो कनेक्ट करेगा और आपका कंप्यूटर यूज कर सके। तो आपका नाम, ये मेरा फर्स्ट वीडियो तो थोड़ा बहुत अटक रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताएं, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इस चैनल पे और भी ऐसी आईटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं, आगे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो डालने वाले हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे पहले न्यू अपडेट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय।